Assalamualaikum everyone, कैसे हो आप सब? Welcome back to my channel Purple Queen. तो चलिए आज का व्लॉग हम लोग स्टार्ट करते हैं. तो आज हम लोग जा रहे हैं एक मिनी ट्रिप फिर से रिजॉर्ट घूमने के लिए, क्योंकि लाइफ है, लाइफ को अच्छे से इंजॉय कर कर जीना चाहिए. तो ये मेरा आज का आउटफिट है. तो चलिए हम लोग चलते हैं. मैं इधर अपने चाचा का वेट कर रही थी, क्योंकि वो हमें ऑटो स्टैंड तक ड्रॉप करने वाले थे और ये आ गए. और अब मैं और मेरा भाई उनके साथ जा रहे हैं. तो उसके बाद हमें ऑटो भी मिल गई और ऑटो में बैठकर हम अपने मंजिल तक जाने वाले थे, यानी कि सेंटर को. तो वहाँ पर जाते ही मुझे मेरा अफ्रेश दे दिया गया. मॉर्निंग मेरा ब्रेकफास्ट होता है ये. उसके बाद मैंने अपना प्रोटीन शेक भी पी लिया. उसके बाद थोड़े से काम वहाँ पर थे, मैंने कहा दीजिए मैं भी कर देती हूँ, आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी. तो हम सब लोग मिलकर अपना सारा काम वहाँ पर ख़त्म कर लिया. ये करते हुए बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि इसी से हमारी लाइफ इतनी खुशियों से भरी हुई है. तो यहाँ पर मैं सोया मिल्क फ्रिज के अंदर रख रही हूँ. तो उसके बाद हम लोग निकल गए अपनी मिनी ट्रिप इंजॉय करने के लिए. मुझे बस की कभी भी लास्ट सीट बहुत पसंद आती है, क्योंकि वहाँ पर अच्छा मज़ा करते हुए हम लोग इंजॉय कर सकते हैं. तो बस में कोई भी शांत नहीं बैठा हुआ था, सभी अपने अपने इंजॉयमेंट में बिजी था. और हम पीछे से ऐसे ही कुछ नज़ारे देख रहे थे. हमें भी बहुत सारे लोगों ने बुलाया, लेकिन वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू डांस. देखिए हम पर कितने सारे लोग डांस भी कर रहे थे. तो उसके बाद हम लोग पहुंच गए रिजॉर्ट. हम गए थे जीके हिल व्यू रिजॉर्ट. तो वहां पर पहुंचते ही हमें अच्छे से वेलकम किया गया सभी लोगों को. हम बहुत सारे लोग गए थे, मिनिमम एक 60 to 70 पीपल्स हम सब लोग मिलकर ही गए थे. दिस इज़ आवर फैमिली. तो यहाँ पर हमें बैच दे रहे थे, क्योंकि वहाँ पर एंट्रेंस होने पर ये दिखाना पड़ेगा आपको. तो ये भी मैं मुझे लगा रहे हैं. उसके बाद हम गए ऐसे ही घूमते घूमते. वहाँ पर जूस, फ्रेश जूस हमें सर्व कर रहे थे. मैंने कप उठा लिया और पीता. फिर हम लोग अंदर रिजॉर्ट के चले गए. यहाँ पर देखिए सब भी हमारी फैमिली से ही बिलोंग करते हैं, हमारे फैमिली वाले लोग ही हैं. हम 12 बजे निकले थे और पहुंचने तक 1 या 1:30 हो गया था. और हमें बहुत भूख लग गई थी, क्योंकि हम मॉर्निंग शेक पीते हैं ना, तो जल्दी भूख लग जाती है हमें. तो हम यहाँ पर सभी लोग डाइनिंग हॉल की तरफ जा रहे थे खाना खाने के लिए. उसके बाद हम गेम्स खेलने के लिए जाएंगे. तो ये हैं मेरे फ्रेंड्स. तो हम सब लोग मिलकर अंदर जा रहे थे खाना खाने के लिए. तो चलिए आपको डाइनिंग हॉल में मिलती हूँ मैं. तो यहाँ का लुक कुछ इस तरह था. हमने अपनी टेबल चूज़ की और जाकर बैठ गए. तो यहाँ पर देखिए कितने वैरायटीज ऑफ आइटम्स अवेलेबल थे. तो ये था मेरा फेवरेट कुकुम्बर, कैरेट, अनियन, टमाटोस एंड पास्ता. मैं बहुत यही ज़्यादातर इस्तेमाल करती हूँ और ज़्यादातर यही तो मैं खाती हूँ. तो चलिए अब हम खाना खाने के लिए चलते हैं. बहुत सारी भूख भी लग रही थी. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा. तो यहाँ पर मैं अपना खाना ले रही हूँ. मैंने देखिए कितना सारा खाना लिया है. तो ये थी फर्स्ट गोभी, बहुत टेस्टी और यम्मी वाली थी. मैंने सिर्फ थोड़ा सा ही लिया. मैं भी अपने प्लेट में ले रही थी और मेरे फ्रेंड्स लोग को भी मैं सर्व कर रही थी. मुझे ही आगे रखते हैं वो हमेशा कि तुम ही डाल दो ना बोल के. तो ये है रोटी. रोटी तो मैं ज़्यादा नहीं खाती, फिर भी ट्राई करने के लिए छोटी सी एक पीस ले ली मैंने.
तो ये है कैप्सिकम एंड आलू की सब्ज़ी, ये भी मैंने थोड़ा सा लिया। तो इसके बाजू में है ऑल वेजिटेबल्स की सब्ज़ी, आई थिंक सो, मुझे इतने सारे नाम पता नहीं है। तो बाजू में था पनीर, पनीर मैं नहीं खाती है इसलिए मैंने नहीं लिया। और उसके बाजू थी दाल, वो भी मैं नहीं ली। अब जितना खाओगे उतना ही लोगे ना। तो ये था कॉर्न पलाव, वो भी मैंने थोड़ा सा लिया टेस्ट करने के लिए, लेकिन टेस्ट बहुत अच्छा था उसका। देखिए मेरे फ्रेंड्स यहाँ पर, मुझे भी डाल दो करके, मैंने नहीं डाला। तो आई थिंक ये था कर्ड राइस, अचार, ये है पापड़, मैं यहाँ पर पापड़ ले रही हूँ। पापड़ लेने के बाद मैं डायरेक्ट चिकन सूप की ओर चली गई, क्योंकि मुझे इधर का कुछ भी पसंद नहीं है। यहाँ पर राइस सांभर वो कुछ पायसम वगैरह वगैरह बहुत सारा मौजूद था, तो मैंने यहाँ पर अपना चिकन सूप लिया। सबसे ज़्यादा मुझे ये ही पसंद आया और मैंने ये ही पिया था। उसके बाद गोभी भी ओके ओके अच्छी थी। तो चलिए हम लोग आफ्टर लंच आप सभी को मिलते हैं। अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है, ये साइड भी बहुत सारे वेराइटीज़ हैं, चूँकि हम अपने वीडियो के लिए ट्राई करेंगे। खाने के लिए तो यही बहुत काफ़ी है, इसे कंप्लीट करते हैं हम लोग फर्स्ट, उसके बाद देखेंगे कि कुछ पसंद आएगा तो लेंगे ज़रूर। तो देखिए सूप इतना यम्मी था, मुझे बहुत पसंद आया, मैंने बार बार पिया, यानी कि एक ही बॉल लिया। और चाहे तो ले सकती थी, क्योंकि मुझे अर्जेंटली अपना लंच ख़त्म करने के बाद स्विमिंग पूल जाना था, मैं वहाँ पर जाने के लिए बहुत एक्साइटेड थी। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने पास्ता लिया ट्राई करने के लिए, सिर्फ थोड़ा सा ही लिया, लेकिन बहुत अच्छा था वो। और उसके बाद थोड़े से वेजिटेबल्स, क्योंकि वेजिटेबल्स खाना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, तो मैं भी अपनी सेहत को हेल्दी मेंटेन करने के लिए वेजिटेबल्स खाती हूँ। ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने लिया था, यह है अचारी चिकन, बहुत स्पाइसी था। तो उसके बाद मैं अपने फ्रेंड्स को भी सर्व कर रही थी। तो ये है फिश, फिश तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और ये है एग, ज़बरदस्ती मुझे खाना पड़ा, यानी कि लेना पड़ा, मैंने तो नहीं खाया था। तो उसके बाद थी बिरयानी, हमने भी थोड़ी सी टेस्ट की, चिकन बिरयानी थी, बहुत अच्छी भी थी। यह है रायता, विदाउट रायता बिरयानी तो बिल्कुल अधूरी लगती है। तो वी आर गोइंग टू टेस्ट बिरयानी। देखिए मेरी फ्रेंड कब से मुझे डाल रही थी। यस वी आर डन। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग अपना लंच इंजॉय कर रहे थे। तो आपको मैं मिलवाती हूँ मेरे बेस्ट बडीज़, ये दो मेरे बहुत क्लोज हैं, एज में तो मेरे से बहुत छोटे हैं और मेरे साथ बहुत क्लोज रहते हैं और अच्छे से मेरे दिल के बहुत करीब हैं ये दो लोग। सो होपफुली हमारा लंच कंप्लीट हो गया। अब हम जा रहे थे स्विमिंग पूल की तरफ, तो चलिए आप लोगों को भी मैं दिखा देती हूँ कि कैसा लगता है वो। वहाँ पर मैं अपने फ्रेंड्स का इंतज़ार कर रही थी, वो अभी भी बाहर नहीं आए हुए थे, वो अपने खाने में इतना बिजी थे कि चलिए हम थोड़ी देर में आते हैं, तो इसलिए मैं ही आ गई। उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस भी लिए, कुछ इंटरेस्टिंग से वीडियोस। देखिए यहाँ का रिजॉर्ट कितना अच्छा है,
घूमने के लिए, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा ये। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप भी जाकर अच्छे से घूम कर आइएगा। मुझे इतनी खुशी मिल रही थी कि मैं बहुत सारा इंजॉय कर रही थी वहाँ। और अच्छे से चलते हुए अपना एक रील बना लिया मैंने। तो ये है पूल, हम वहाँ पर आकर स्विमिंग करते हैं। फर्स्ट हम लोग अपने ड्रेस चेंज कर लेंगे, स्विमिंग कॉस्ट्यूम वेयर कर लेंगे, तो उसके बाद आप लोगों को मिलेंगे। मैंने ज़्यादा स्विमिंग पूल में क्लिप्स नहीं ली क्योंकि मैं अपने इंजॉयमेंट में मैं बिज़ी थी, क्योंकि मुझे पानी से बहुत प्यार है। मुझे पानी दिख गया तो मैं वहीं पर ही रह जाती हूँ। जितना हो सके उतना मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि पानी में मोबाइल को भी ले जाना अनसेफ रहेगा। मैंने प्रोटेक्शन कवर यूज़ किया था, फिर भी मैंने ज़्यादा वीडियोस बनाना ज़रूरी नहीं समझा। इंशाल्लाह देखते हैं, अगले टाइम आएंगे तो ज़रूर बनाऊँगी। तो यहाँ पर यह है स्विमिंग पूल, तो हम सभी लोग ऑलमोस्ट वहाँ पर अच्छे से 3 to 4 hours वहीं पर ही हमने गुजारा, मस्त इंजॉय किया। उसके बाद हमारा था स्नैक्स टाइम, वहाँ पर कुछ ये पोटैटो की क्या बोलते हैं बज्जी और टोमेटो सॉस। और ये मेरी कॉफ़ी, क्योंकि हम अच्छे से भीग कर आए हुए थे, गर्मा गर्म तो कुछ चाहिए ही था। ये है टेंट हाउस, छोटा सा ये ऐसा दिखता है। और ये ऊपर वाला सेशन है, यहाँ पर हम सब लोग बच्चे लोग ऊपर आए हुए थे अपनी कॉफ़ी और पोटैटो की क्या है वो बच्ची को एंजॉय करने के लिए। हमने अपने ड्रेस भी चेंज कर लिए क्योंकि बहुत भीग गए थे। तो उसके बाद मैंने सारा टेंट हाउस घूमा फिरा और अच्छे से देखा कि बहुत पसंद आया। मुझे भी ऐसा टेंट हाउस फ्यूचर में चाहिए होगा, आप अच्छे से यहाँ पर एंजॉय भी कर सकते हो, आकर और फ्रेश का मज़ा ले सकते हो, है ना। तो देखिए यहाँ पर बैठने के लिए भी टेबल चेयर वगैरह मौजूद थे, अच्छे से व्यू भी आ रहा था। तो यहाँ पर थे फिशेस, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओगे तो डर जाएगी, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी। हम यहाँ पर देखने के लिए आए हुए थे। तो और ये थे बर्ड्स, कुछ आई थिंक ये लव बर्ड्स थे। उसके बाद हम और भी आगे के लिए निकल गए, सारा रिजॉर्ट हम लोग घूम रहे थे। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर कुछ एल्बम सॉन्ग या शॉर्ट मूवी की शूटिंग चल रही थी, तो हमने शूटिंग का भी मज़ा ले लिया। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं शूटिंग चल रही है और वहाँ पर हीरो हीरोइन मौजूद थे। उसके बाद मेरे फ़ोन में बैटरी इतनी लो हो गई थी कि ऑलमोस्ट मेरा मोबाइल ऑफ होने वाला था, तो हम मोबाइल फ़ोन चार्ज करने के लिए ऐसे ही ढूंढ रहे थे। तो वहाँ पर मुझे कोई कुछ इंटरेस्टिंग सा स्टंट करने का मौका मिला वहाँ पर। देखिए मैं यहाँ पर जा रही हूँ, मुझे बहुत पसंद था, कितने दिनों से मैं वेट कर रही थी कि कब मुझे भी चांस मिलेगा, मुझे भी खतरों के खिलाड़ी वाली फीलिंग चाहिए थी और मुझे परफॉर्म भी करना था। बहुत डर लगा लेकिन करते करते इजी हो गया और आसानी से मैं वहाँ से अपने मंजिल तक पहुँच गई जल्दी से ही। बहुत सारे गेम्स भी थे वहाँ पर, हम उस पर साइकिल भी चला सकते हैं, लेकिन 100% फुल सेफ्टी के साथ आप लोग
अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं, आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए मैं कितनी आसानी से चल रही हूँ, मैंने इसे थोड़ा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड किया है। तो उसके बाद हम यहाँ पर गेम्स और भी ज़्यादा थे आ गए, और अगेन एंड अगेन द पुल की तरफ भी वो लोग शूट करने के लिए आ गए थे। हम लोग वहाँ पर भी शूट था, मज़ा लिया। देखने में बहुत अच्छा लगता है ना, कि आप लोगों को भी अच्छी से फीलिंग आएगी कि आप लोग भी शूटिंग देख रहे हैं। तो यहाँ पर सभी लोग अपना वो जो होता है ना कैमरा वगैरह सेट कर रहे थे। शूट के बाद तो मेरा फ़ोन डेड हो चुका था, मैं व्लॉग नहीं बना पाई। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।